तो आज अपन बांसुरी के अंदर ये वाली ट्यून सीखने वाले हैं। स्टार भारत एक चैनल है, उस पर एक शो आता है राधा कृष्णा ट्यून। तो ये ट्यून अपन सीखने वाले हैं। आज मैं आपको ये तीन प्रकार से सिखाने वाला हूँ, नोट्स, उंगलियां प्लस म्यूजिक। इसका जो म्यूजिक है, मैंने बहुत से बांसुरी की वीडियो देखी मगर उसमें म्यूजिक नहीं बताया हुआ। म्यूजिक ये जो सॉन्ग के लिरिक्स, जो गाने होते हैं, जो बोल होते हैं, वो नहीं बताए हुए। तो बोल भी मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इस सॉन्ग को सीख सको, इस ट्यून को सीख सको। तो मेरा नाम हर्ष पाटिया, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे ही और गाने सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसकी पहली लाइन है, कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा। अब इसको कैसे बजाएंगे, देखो पहले बजाएगा राधा, ऐसे ही बजेगी। अब इसके नोट्स कैसे होंगे, देखो ये जो अपनी बांसुरी होगी, ये सी नेचुरल बांसुरी है। आप जैसे कोई भी बांसुरी में इसको सा मान के बजा सकते हो। जैसे आपको सरगम आती है, कोई सी फ्लूट में इसको सा मान के आप बजा सकते हो। तो ये अपना सा हो गया, इस सा से स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड रे, तो रे सारे सारे इतना बजाना। यानी अब देखो यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा, और मैं उंगलियों से बता रहा हूँ, गाने से भी, यानी तीनों चीजों से बता रहा हूँ, ठीक है। कृष्ण है विस्तार यदि तो, यानी सा नी ध नी सा, रे सारे सारे सा नी ध नी सा, ठीक है। अगर अपन ऐसा बजाएंगे तो ये आएगा, कृष्ण है विस्तार यदि तो नी सा नी ध नी सा, ठीक है। और आप साथ में म्यूजिक देख लेना, तब आपको और ध्यान में आ जाएगा कैसे बजा। कृष्ण कृष्ण है विस्तार यदि तो, दूसरी पंक्ति कैसे बजेगी, ग ये जो हो गया अपना, ये देखो पहले कोमल स्वर कैसे बजाते हैं, ये बता, सा रे। अब ये जो गए ना, इसको थोड़ा सा, ये जो अपनी रे वाली, देखो ये जो रे ना, इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा, तब अपना गय कोमल बजेगा, ठीक है। तो इसको गय थोड़ा क्या, रे ग रे ग रे, देखो वो हो गया ना, कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधे, अभी सार है राधे, ये कैसे बजेगा, सा सा, देखो सार है राधे, देखो सा सार है राधे, ठीक है। रे रे ग रे ग रे ग, आगे धन में, अगर ये पूरा आप देखो, पूरी पंक्ति सुन लो, पूरी पंक्ति कैसे, म्यूजिक कैसे है, कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधे। ये पंक्ति बहुत बार काम आने वाली है, इसलिए अच्छे से सीखना। अब ये कैसे बजेगी, इस प्रकार से बजने वाली है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, विस्तार से मैं इसलिए नहीं बजा रहा है क्योंकि आप लोग सक्षम होंगे, इतना आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं तीन तीन स्टेप से आपको बता रहा हूँ, नोट्स देख लेना। उंगलियाँ समझ में नहीं आए तो उंगलियाँ समझ में आ जाएगी, नोट्स समझ में आ जाएगा, और फिर मैं बोल के भी बता रहा हूँ, तो आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। तो आगे वाली पंक्ति का क्या है, कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा, कृष्ण की हर बात का आधार है राधे, ठीक है। तो ये दूसरी पंक्ति भी सेम बजने वाली है, एकदम सेम। तो मैंने कहा था ना, इन नोट्स वापस कहाँ बजाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों पंक्ति, यही स्वर आप वापस बजाओगे, ठीक है, ये वाले, कृष्ण विस्तार यदि तो सार है राधे। अब देखो सेम ही, कृष्ण की हर बात का आधार है राधे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं,
ठीक है, अब ये सीखेंगे, ये कैसे बचेगा, अब ये जो अपना रे ना, वापस रे से स्टार्ट, रे रे प प प, दो बार प, रे प प, धा बिना रे धा धा धा, तीन बार धे, देखो यहाँ लिखा हुआ, देखो कृष्ण बिना, कृष्ण बिना राधा नहीं, ठीक है। आगे धन में रे प प प, रे धा धा धा, ठीक है, कृष्ण बिना राधा नहीं, राधा बिना कृष्ण नहीं, फिर आगे क्या है, कृष्ण बिना नहीं राधा, ये कैसे बजेगा, देखो वापस अपना रे नी नी, अब नी बजाना है, रे नी नी नी, कृष्ण बिना नहीं ध प, अब क्या हो गया, रे नी 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 ध प म ग ग ग, ये पूरा बजाएंगे, देखो कैसे होगा, देखो एक बार समझ लो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है, पूरा है देखो, राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आसानी से देखना, कृष्ण बिना नहीं राधा, इसके लिए क्या बताना, कृष्ण रे नी नी कृष्ण बिना, फिर ध प म ग ग ग, यहाँ नोट्स लिखे हैं, आप नोट से बजाएंगे तो आपको ध्यान में जाएगा, मैं उंगलियों से आपको बता ही रहा हूँ, तो ये पूरा मैं अगर बजा बजा के बताता हूँ, उसके बाद में क्या होता है, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से, ठीक है, इस इतना सीखेंगे, ठीक है, तो वापस वो नी प प प, तीन बार प, पहले क्या था, दो बार था ना, ठीक है, इस बार क्या होगा, तीन बार, ठीक है, जिस कण में राधा बसी, ठीक है, वापस दो बार प, ठीक है, नी नी प प प, नी धा धा धा, देखो जिस 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 कण में राधा बसी, ठीक है, उस कण में, देखो रे रे ग्रे सा, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना, रे दो बार, फिर तीसरा रे ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, रे दो बार, फिर तीसरा रे तीर्व और सा, यानी थोड़ा जोर से बजाना है रे और सा को, देखो ठीक है, तो जिस कण में राधा बसी, ठीक है, जिस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से, ये कैसे बताना है, देखो जिस रे 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 सा, ठीक है, बजाया, फिर नी ध प म ग, ठीक है, फिर रे सा नी ध प सा, इतना पूरा एक साथ बजाना, देखो नोट्स देखना और आपको आसानी से और ध्यान में जाएगा, और भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टा व्हाट्सएप सब मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूँ, तो आप आसानी से सीख सकते हो, मगर सीखना परफेक्ट अच्छी प्रकार से, जिससे आपको और वीडियो नहीं देखना पड़े, तो ये हो गया अपना यहाँ तक का, जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से, उसके बाद आता है राधा धरा धा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ठीक है, ये कैसे बजेगा, देखो यानी वो सेम से है ना, रे सारे सारे,
नी ध नी सा। देखो यहां से देख लो, रे सा रे सा रे, नी ध नी सा, राधा 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 के। अब देखो इसके बाद है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यानी जो पहली पंक्ति बजाई थी ना वही एकदम कॉपी पेस्ट करनी है। मैंने कहा था ना ये पंक्ति बहुत काम आ गई, 3 बार काम आ चुकी है। ठीक है, पीके से बजेगी राधा 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 कृष्ण कृष्ण, ठीक है। ये यहाँ तो होगी, आप नोट्स देख लेना, मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 कृष्ण, इसके नोट्स आपको यहाँ है, देखो ये कैसे जाएगा। ठीक है, तो 3 बार पीछे कृष्ण है, तो एक बार ये और बता देता हूँ, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण। ठीक है, नोट्स आप देख लेना, उंगलियों से मैंने बता दिया, म्यूजिक मैंने बता दिया, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर लेना, जिसे कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कर लेना, और ऐसे ही और सॉन्ग बांसुरी के बारे में कोई भी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको सब जानकारी सबसे पहले मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, राधे कृष्ण हरे कृष्ण, जय हिंद जय भारत।